हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ दोस्तों एक वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, वो हम सबसे जुड़ी हुई है। कैसे, तो सुनिए। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए, आप लोग दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, राइट? करते हैं ना, और सबके काम करने का तरीका भाई अलग अलग होता है, सही कहा ना मैंने? वैसे इसी दौरान कभी कभी आपने दोस्तों बॉडी के बाहरी हिस्से पर कुछ बदलाव भी महसूस किए होंगे। आज हम दोस्तों उन्हीं बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब न्यूबॉर्न बेबी रोता है तो उसकी आंखों से आंसू क्यों नहीं बहता, या फिर ज्यादा देर तक पानी में काम करने पर हमारे हाथ पैरों में सिलवटें क्यों पड़ती हैं? इन सब के अलावा और भी ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो कहीं मत जाइए, एंड तक हमारे संग बने रहें। नंबर वन, रोंगटे खड़े होना यानी कि गूज़बम्प्स। दोस्तों आप सभी इस एहसास से भली भांति वाकिफ होंगे, राइट? लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। असल में देखिए, होता कुछ ऐसा है कि हम सबके अंदर बहुत सारे सेफ्टी सिस्टम मौजूद होते हैं। जब कभी आपको कोई पीछे से आके डरा दे, या ज्यादा ठंड लगने पर, या फिर कोई हॉरर मूवी देखते हैं, तो आपके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कंडीशन में दोस्तों एड्रेनालाइन नामक हार्मोन हमारे शरीर से निकलता है। उसकी मदद से हमारा ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है और हमारे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर इंसान दोस्तों जरूरत से ज्यादा तेज रिएक्ट करता है। नंबर टू, लेफ्ट हैंडेड पीपल। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं लोगों की जो लेफ्टी होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जो लोग लेफ्टी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। इस बात में कितना सच है आज मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, एक रिसर्च में ये बताया गया है कि जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है बजाय राइट हैंड वालों के, क्योंकि दोस्तों दुनिया में सारी चीजें जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं वो राइट हैंड वालों के हिसाब से बनाई जाती है। पर आपको ये बता दे, लेफ्ट हैंडेड लोग बेटर मल्टीटास्किंग होते हैं। और साथ में आपको बताना चाहेंगे आपकी जानकारी के लिए कि दुनिया में केवल 12% लोग ही लेफ्ट हैंडेड होते हैं। साथ में एक रिसर्च ये भी कहती है कि जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं वो राइट हैंडेड लोगों से 9 महीने कम जीते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी, अमेरिका के मैक्सिमम प्रेसिडेंट्स लेफ्ट हैंडेड रहे हैं। नंबर थ्री, पलके ब्लिंक क्यों करती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं हम बार बार अपनी पलके क्यों छपकाते हैं? असल में दोस्तों हमारी आंखों के ऊपर जो पलके होती है वो एक तरह से वाइपर का काम करती है और डस्ट को आंखों के अंदर जाने से रोकती है। एक रिसर्च में ये बताया गया है कि जब हम पलके छपकाते हैं ना, तो ये हमारे ब्रेन को आराम देने का काम करता है। यानी पलके छपकने से हमारा माइंड कुछ सेकंड के लिए आराम पा जाता है और फिर नए सिरे से काम पर लग जाता है। अब ये समझ लीजिए कि एक तरह से रिफ्रेश हो जाता है। तो ये था हमारी पलकों के झपकने या ब्लिंक करने का राज। इंटरेस्टिंग था ना। नंबर फोर, पानी में रहने पर क्यों सिकुड़ती है स्किन। दोस्तों क्या आप जानते हैं बहुत देर तक पानी में हाथ पैर डालने पर हमारे हाथ पैरों में और उंगलियों में सिकुड़न क्यों आ जाती है? आपने नोटिस किया होगा कि जब हम पानी में बहुत देर तक काम करते हैं या फिर स्विमिंग करते हैं तो हमारी उंगलियों के ऊपर की स्किन जो होती है वो सिकुड़ने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हमारी स्किन की ऊपरी सतह पर सीबम नाम का एक ऑयल होता है जिससे स्किन की ऊपरी लेयर चिकनी रहती है। ये ऑयल एक तरह से दोस्तों रेनकोट का काम करता है, पर ज्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से ये ऑयल निकल जाता है और स्किन सिकुड़ी सिकुड़ी दिखने लगती है। नंबर फाइव, हार्ट। ह्यूमन हार्ट बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो जन्म के साथ दोस्तों काम करना शुरू करता है और मरने तक ये काम करता है, इसलिए इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन भी कहा जाता है। आदमियों के मुकाबले औरतों में दिल ज्यादा तेजी से धड़कता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी कुछ हड्डियाँ जुड़ जाती हैं और 300 की जगह वो 206 रह जाती हैं। तो दोस्तों ये था हड्डियों के कम होने का रहस्य। नंबर सेवन, गुदगुदी। दोस्तों गुदगुदी एक लाफ्टर थेरेपी का भी काम करती है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जब हमें कोई गुदगुदी करता है तो हम हंसते हैं, वो भी जब तक गुदगुदी बंद ना हो जाए तब तक। पर दोस्तों क्या आप ये जानते हैं, जब हम अपने आप को गुदगुदी करते हैं तो हमें ये महसूस नहीं होती? ऐसा क्यों? चलिए बताते हैं। एक्चुअली दोस्तों जब हम अपने आप को गुदगुदी करते हैं तो हमारे ब्रेन को इस बात की जानकारी होती है कि हम अपने आप को ही कर रहे हैं और इसलिए भाई वो खुद को फील ही नहीं होता। नंबर एट, डिम्पल्स कैसे पड़ते हैं। दोस्तों हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसके गालों में यार डिम्पल पड़े। अगर किसी के गाल पे डिम्पल पड़ता है तो सच में यार वो बहुत क्यूट लगता है। पर ये डिम्पल भाई सबके नहीं पड़ता, लेकिन आखिर ये डिम्पल पड़ता कैसे है, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का रीजन। चलिए मैं आपको बताता हूँ। गालों में दोस्तों जो कि मेटिकस नाम की नस होती है जो दो हिस्सों में बट जाती है और इसी वजह से ये डिम्पल पड़ता है, हालांकि इससे हमारे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर नाइन, स्पेशल फिंगर। दोस्तों हम सबके हाथों में उंगलियां होती है, पर क्या आप जानते हैं इन उंगलियों में सबसे स्पेशल उंगली कौन सी होती है? अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली जिसको आप लोग पिंकी फिंगर कहते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिंकी फिंगर की मदद से बाकी की उंगलियां अच्छे से काम कर पाती हैं। और अगर ये उंगली किसी वजह से ना रहे तो आपके शरीर की 50% स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो हो ही ना ये इम्पोर्टेंट फिंगर। भाई ये थे आपके शरीर से जुड़े हुए दोस्तों कुछ अमेजिंग और बेहतरीन फैक्ट्स।
अब आप मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी और कौन सा फैक्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।